नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। तेलंगाना में बोले पीएम मोदी, बीजेपी के साथ दोस्ती करना चाहते थे केसीआर। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। नई दिल्ली में 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। दिल्ली में फिर प्रदूषण का कहर, 400 के पार हुआ AQI। दिल्ली में एनकाउंटर के बाद खालिस्तानी आतंकी अशरीफ डाला के 2 शूटर गिरफ्तार। शूटर्स के निशाने पर थे पंजाबी सिंगर एली मंगत। गुजरात टाइटंस ने शुभमन गिल को कप्तान घोषित किया। मुंबई पुलिस के पास आया अनजान फोन कॉलर, बोला एकता नगर में छुपे हैं 3 आतंकी। ओडिशा में सीएम के पूर्व निजी सचिव वीके पांडे ने थामा बीजेपी का हाथ। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों का उत्पात, निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के दर्जनों वाहन फूके। जापान पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने की बुलेट ट्रेन की यात्रा। वाराणसी में देव दीपावली पर आज 12 लाख दीपों से रोशन होंगे काशी के घाट। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए 36 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी। आयरिश लेखक पॉल लिंच ने डायस्टोपियन उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए जीता बुकर पुरस्कार। इंटरनेशनल जहाज हाईजैक करने के बाद हुती विद्रोहियों ने US नेवी शिप पर दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइल। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।